दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि डेली कार ड्राइव करते होंगे। हर रोज गाड़ी चलाने से ड्राइवर एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ड्राइवर से होने वाली सबसे बड़ी और महंगी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को भी दबाना ना भूले। नंबर 4। दोस्तों, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसे घर जाने की बहुत जल्दी होती है, खास करके जब कोई जॉब से घर जा रहा हो तो वो कार को फास्ट चलाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। यूक्रेन का एक ड्राइवर अपनी कार को लेकर घर जा रहा था कि आगे रोड क्लोज का साइन था। असल में रोड के ऊपर काम चल रहा था और इन्होंने फ्रेश कॉन्क्रीट डाली हुई थी। इस ड्राइवर ने साइड से गाड़ी निकाल कर जाने की कोशिश की, लेकिन इस जल्दबाजी में एक कॉन्क्रीट के अंदर बुरी तरह फंस गया। गाड़ी के चारों टायर्स कॉन्क्रीट में फंस चुके थे और इससे भी बुरा ये था कि मदद आने तक वो कॉन्क्रीट काफी हद तक ड्राई हो चुकी थी और कार के टायर्स कॉन्क्रीट में बिल्कुल स्टक हो चुके थे। आखिरकार कंपनी ने ड्रिलर के जरिए कार को इस कॉन्क्रीट से बाहर निकाल दिया। इस बेवकूफ ड्राइवर ने ना सिर्फ अपनी गाड़ी का नुकसान किया बल्कि रोड पर होने वाला पूरा नुकसान भी इसी ने पे किया। नंबर 3। दोस्तों, सुपर कार्स में जाते हुए लोगों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनसे लकी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत बात ये है कि वो ज़्यादातर नॉनसेंस होते हैं। वो अपनी महंगी कार्स में शो ऑफ तो करते हैं, लेकिन उन्हें कार चलाने का जरा भी पता नहीं होता। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये ड्राइवर अपनी कार को बेसमेंट पार्किंग में लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। इस पार्किंग में इतनी जगह है कि इसमें प्लेन भी गुजर सकता है, लेकिन इन भाई साहब से ये कार नहीं गुजरी। इन्होंने साइड वाली दीवार में कार को ठोक दिया। ऐसा ही होता है जब अच्छी चीज नमूनों के आगे चढ़ जाती है। नंबर 2। दोस्तों, रोड पर जब भी कोई कार एक्सीडेंट होता है तो जिसकी भी गलती होती है उसे सारा नुकसान अदा करना होता है। आजकल तो नई कार्स इंश्योर्ड होती है और नुकसान की पूरी भरपाई इंश्योरेंस वाले करते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये एक कार में लगी कैमरे पर रिकॉर्ड हुई थी। ये ड्राइवर अपनी कार को लेकर जा रहा था तो एक दूसरी गाड़ी बार बार इसके आगे आकर ब्रेक लगा देती थी और इसका रास्ता रोकने की कोशिश करती थी। आखिर उस अगली कार की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस कार का ड्राइवर बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था और साथ में उसके बहुत से दोस्त भी विटनेस के तौर पर मौजूद थे। इन लोगों ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि पिछले कार वाले की गलती है। इन बेवकूफों को पता ही नहीं था कि कार में कैमरा लगा हुआ है। जब वो सब गवाही दे चुके थे तो इस ड्राइवर ने पुलिस अफसर को कैमरा फुटेज दिखा दी। पुलिस ऑफिसर ने ना सिर्फ उनका फाइन काटा बल्कि सारे नुकसान की भरपाई भी उसी ने की। कभी कभी और स्मार्ट बनना बहुत ही भारी पड़ जाता है। नंबर 1। दोस्तों, दुनिया में ज़्यादातर जो कार एक्सीडेंट होते हैं उनकी ज़्यादातर वजह ओवर स्पीडिंग होती है। लोग स्पीड से गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं और वो नुकसान का सबब बनता है। लेकिन क्या हो अगर कोई जीरो की स्पीड में भी कार को क्रैश कर दे? वेल, ये जो लेडी ड्राइवर आप देख रहे हैं, शुरू में इनको पार्किंग लगाते देख कर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई प्रोफेशनल ड्राइवर है। इन्होंने बहुत ही सफाई से गाड़ी को रिवर्स किया और कार पार्किंग पर लगा दी, पर एंड में इन्होंने ब्रेक दबाने के बजाय कार के एक्सीलेटर पर पाव रख दिया। एक कार बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर पार्किंग लगा रही थी। इस कार ने कॉन्क्रीट वॉल को तोड़ दिया, लेकिन लकीली ये नीचे गिरने से बच गई। इस कार को ऐसे लटकते देखकर ड्राइवर की महान स्किल्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।